तो वो डिग्री ना दिखाने के लिए वो विश्वविद्यालय कोर्ट क्यों जा रहा है? क्या उनको गर्व नहीं है कि उनकी यूनिवर्सिटी से कोई पढ़ा लिखा छात्र आज देश का प्रधानमंत्री बन गया है? इस कैंपेन का नाम है डिग्री दिखाओ कैंपेन। शुरुआत मैं कर रही हूँ अपनी 3 डिग्रियां दिखाने से। ये मेरी बीए की डिग्री की सर्टिफाइड कॉपी है, ये मास्टर्स डिग्री की है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड से एजुकेशन में। ये उनके वरिष्ठ नेता, अगर उनके पास डिग्रियां हैं तो वह ज़रूर वो डिग्रियां लेकर देश के सामने आए। उसको तो प्रधानमंत्री के नाम पे उसका नामकरण भी करना चाहिए। आज से हम एक कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं। उस कैंपेन का नाम है डिग्री दिखाओ कैंपेन। आज से रोज आम आदमी पार्टी के नेता अपनी डिग्री को देश के सामने रखेंगे और दिखाएंगे। आज इस डिग्री दिखाओ कैंपेन में शुरुआत मैं कर रही हूँ अपनी 3 डिग्रियाँ दिखाने से। मैंने अपनी पहली डिग्री बीए दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है। ये मेरी बीए की डिग्री की सर्टिफाइड कॉपी है जो मैं आप सब के माध्यम से पूरे देश को दिखाना चाहती हूँ कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की 2001 से मैंने पास आउट किया। ये मेरी डिग्री है, ये उसकी सर्टिफाइड कॉपी है। उसके बाद मैंने मास्टर्स डिग्री की है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड से, ये उसकी डिग्री है, ये ओरिजिनल डिग्री है। उसके बाद मैंने एक दूसरी मास्टर्स डिग्री की है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड से एजुकेशन में, ये उसकी डिग्री है। आज इस डिग्री दिखाओ कैंपेन के तहत मैंने अपनी 3 डिग्रियां दिल्ली यूनिवर्सिटी की और ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी की आप लोगों के माध्यम से पूरे देश के सामने रखी हैं। और आज इस डिग्री दिखाओ कैंपेन के माध्यम से मैं इस देश के सभी नेताओं से अपील करना चाहती हूँ कि वे भी अपनी डिग्रियां दिखाएं कि उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की है, कितनी पढ़ाई की है। और मैं खास करके भारतीय जनता पार्टी से ये अपील करूँगी कि उनके नेता, खास करके उनके वरिष्ठ नेता, अगर उनके पास डिग्रियां हैं तो वह ज़रूर वो डिग्रियां लेकर देश के सामने आए। मैं तो ये सोचती हूँ कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी तो अगर आज कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी जाएगा या मेरे कॉलेज सेंट स्टीफंस कॉलेज जहाँ से मैंने पढ़ाई की वो वहाँ पर जाएगा तो सेंट स्टीफंस कॉलेज वाले और दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले उनको बहुत गर्व से बताएंगे कि जी आतिशी ने यहाँ से पढ़ाई की, वो आज दिल्ली की शिक्षा मंत्री हैं, वो अच्छा काम कर रही हैं। तो मेरे कॉलेज, मेरे यूनिवर्सिटी वालों को इस बात पे गर्व होगा। इसी तरह से अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई पढ़ता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हमारे देश के इतने इतने बड़े बड़े नेता पढ़ के निकले, देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी वहाँ से पढ़े, शंकर दयाल शर्मा जी वहाँ से पढ़े, अगर कोई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाएगा तो वो बहुत गर्व से बताएंगे कि जी चंद्रशेखर जी यहाँ के पास आउट हैं, शंकर दयाल शर्मा जी यहाँ के पास आउट हैं। तो मुझे इस बात पे थोड़ा अचम्भा होता है कि अगर गुजरात यूनिवर्सिटी से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री हासिल करी है तो वो डिग्री ना दिखाने के लिए वो विश्वविद्यालय कोर्ट क्यों जा रहा है? क्या उनको गर्व नहीं है कि उनकी यूनिवर्सिटी से कोई पढ़ा लिखा छात्र आज देश का प्रधानमंत्री बन गया है? मैं तो गुजरात विश्वविद्यालय से ये कहूँगी कि आपको तो जो आपका इतना यूनिक डिपार्टमेंट है इंटायर पॉलिटिकल साइंस, उसको तो प्रधानमंत्री के नाम पे उसका नामकरण भी करना चाहिए। खास करके इसलिए क्योंकि हमें तो आज तक 5 और ऐसे लोग मिले नहीं हैं जिन्होंने इस विषय में डिग्री करी हो, या 5 और ऐसे लोग मिले नहीं हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के क्लास में रहे हो या उनके साथ उन्होंने एग्ज़ाम दिए हो। तो अगर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस एंटायर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के इकलौते छात्र रहे हैं, तो वो डिपार्टमेंट तो ज़रूर उनके नाम पर उसका नामकरण होना ज़रूरी है। तो इसलिए आज मैं अपील करूंगी फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, और मैं तो कहूंगी देश के सारे राजनीतिक दलों के नेताओं से, कि वो इस डिग्री दिखाओ कैंपेन में शामिल हों। और जिस तरह से मैंने अपनी तीनों डिग्रियां दिखाई हैं, उसी तरह से मैं रिक्वेस्ट करूंगी भारतीय जनता पार्टी से, उनके वरिष्ठ नेताओं से, कि वो भी सामने आकर अपनी डिग्रियां ज़रूर दिखाएं। धन्यवाद।